हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस 91 पे। जल्द से जल्द आप लोग लाइव आ जाए और बेहतरीन सेशन आप सबके बीच में स्टार्ट होना। और इससे पहले मैं आपको बता दूँ, सभी को एक बार दिल खोलकर हैप्पी न्यू ईयर। नए साल में आप सभी बेहतरीन तरीके से सारी स्ट्रेटजी बना के आप क्या करेंगे, तैयारी करेंगे और भूल जाइए कि मेरा पुराना साल किस प्रकार व्यतीत हुआ, सब बेटर हुआ। कहते हैं ना कि थोड़ी बहुत की लापरवाही लेकिन मैं आवारा नहीं हूँ। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कि थोड़ी बहुत लापरवाही लेकिन मैं आवारा नहीं हूँ। जिंदगी मुझ पर रहम मत करना, क्योंकि मैं पूरी स्ट्रेटजी के साथ 2023 में आया हूं, अभी मैं हारा नहीं हूं। तो चलिए ध्यान से एक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग एक सेशन को स्टार्ट करते हैं और न्यू ईयर का एक बेहतरीन तरीके से मजा उठाते हैं। दोस्तों, आप सबके बीच में जो सबसे बड़ी समस्या थी, ध्यान से समझिएगा, सबसे बड़ी समस्या किसकी होती है? सर, ग्रामर वगैरह तो सारे रूल कॉन्सेप्ट से हो जाते हैं, लेकिन जो समस्या है हमारे बीच वो सिनोनिम एंटोनिम्स कितना याद करें बताएंगे। फिर पुराने साल के जैसा तो काम करना नहीं है कि जैसा अगले साल करते थे, रट के जाते थे पेपर में और वहां एक भी क्वेश्चन फंसता नहीं था। तो अब आपको क्या करना होगा दोस्तों, जरा ध्यान से देखिएगा। नए तरीके से नई रणनीति बना के आपको पढ़ना और अच्छे तरीके से सब लोग एक बार लाइव आ जाए और सेशन को शेयर कर लीजिए। नया साल नया तरीका, सबसे अलग। दोस्तों, आपको कुछ रटना नहीं है, मैंने कवर पेज पे आपको दिख रहा होगा, दो नंबर पक्का करना है भाई। सिनोनिम एंटोनिम्स तो पूछना ही है, 100% पूछेगा, हर एक एग्जाम में पूछता है, तो CHS स्पेशल है तो इसमें भी पूछेगा। बात करते हैं, सबसे बड़ी समस्या हुई आज खत्म, मतलब आपकी सबसे बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी दोस्तों। जैसे आप लोग, मैंने रणनीति बनाई कि बच्चों की सबसे बड़ी समस्या होती है, सर वो कौन सी होती है? सिनोनिम एंटोनिम्स की होती है, कि उनको रटने की सबसे बड़ी समस्या कितना रटते हैं। भाई कितना रट पाओगे दोस्तों? बहुत रटेंगे, 200 300 400 इससे ज्यादा तो रट नहीं पाओगे। मानता हूं कि कैपेसिटी अच्छी है तो 1000 रट लिए। मान लीजिए उसमें नहीं पूछा तो दिक्कत हो गया कि सर दो नंबर तो ये फ्री में मिल रहे थे, चले गए। तो आप समझिए कि अब 2023 लगा हुआ है, न्यू ईयर है, तो बेहतरीन तरीके से एक नई स्ट्रेटजी के साथ आपको मैं सॉल्व करने का तरीका सिखाऊंगा मेरे दोस्तों, और भारत की सभी बच्चों की सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है ना? तो एक बार अच्छे तरीके से इस सेशन को शेयर कर लेंगे मेरे दोस्तों, और बेहतरीन तरीके से सभी भाई बहन को आज मैं बेहतरीन कॉन्सेप्ट देने वाला हूं कि एग्जाम में बैठिए और दो नंबर आप चुरा लीजिए, दो नंबर आपका एकदम फिक्स रहेगा न्यू स्ट्रेटजी के साथ, एक नई रणनीति के साथ। तो चलिए आज के इस सेशन का आनंद लेते हैं और उठाते हैं इसका बेहतरीन लुत्फ, और एक बार सेशन को बेहतरीन तरीके से दमदारी से शेयर करेंगे सभी एजुकेशनल ग्रुप में, तभी मैं आपको बेहतरीन तरीके से सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा दोस्तों। एक बार अच्छे तरीके से सेशन को लाइक कर दीजिए और थंब इंप्रेस कर दीजिए, सभी का मैं स्वागत करता हूं और मन लगा के। और ये नहीं करना है कि सर न्यू ईयर है तो यहां जा रहे घूमने, वो करने कुछ नहीं करने जा रहे यार। सिर्फ आपको ये करना है कि सबसे पहले अपने टारगेट को देखना, अपने गोल को देखना है, उसको आप देखिए एक बार, ठीक है ना, कि यार कितने साल से मैंने ये गोल्स टारगेट किए हैं, कितने साल से मैं सोचा था इसके लिए, कब हासिल करूंगा यार, वो चीजें से को और डेडलाइन बताओ भाई। हर दिन आपके लिए नए साल के बराबर होता है, वन डे लाइक एज अ राइजिंग सन, आपका हर एक दिन उगते सूरज के समान होगा। और ध्यान से देखिएगा ना, इफ यू डोंट लर्न न्यू थिंग्स इन अ डे, अगर बोलते हैं ना कि इफ यू डोंट थिंक लर्न अ न्यू थिंग इन अ डे, एक दिन में अगर आप नई चीज नहीं सीखते हो, दैट इज अ वर्थलेस डे फॉर योर लाइफ। तो आपके लाइफ के लिए वो क्या होता है? वर्थलेस डे होता है, मतलब एक तरीके से निरर्थक दिन होता है, कोई मतलब नहीं होता दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा, हमेशा पुराने अपने टारगेट को एक बार सोचिए कि कब से मैंने टारगेट किया यार, और अगर जो अभी कर रहे हैं तो वो भी टारगेट कर ले कि हमें कब तक अचीव कर लेना है। तो इस नए साल में सबसे पहले उनकी थॉट्स क्या होनी चाहिए, अपने गोल के प्रति एक बार जरूर देखेंगे दोस्तों। ये नहीं कि जाके डीजे डांस करो, ये करो वो करे, कुछ नहीं यार, ये सब लड़प्पन है मेरे दोस्त। मैंने बोला ना 2022 में जो मैंने गलतियां की उसको दोहराना नहीं, पिछले कदम से बेटर मेरा अगला कदम होना है। तो चलिए आज के इस सेशन का बेहतरीन तरीके से आनंद उठाते हैं और बेहतरीन स्ट्रेटजी सीखते हैं दोस्तों। पहला काम करो, कॉपी कलम निकाल लीजिए आप लोग, ठीक है ना, और सेशन को एक बार दमदारी से शेयर भी कर लेंगे, ठीक। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूंगा, और इससे पहले मैं आपको बताऊं, देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि सिनोनिम और एंटोनिम्स को सॉल्व करने का सर तरीका बता दीजिए। अभी देखिए यहां पे रुके रहेंगे और एक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग इनको हम क्या करेंगे दोस्तों, अंत में अच्छे तरीके से सारी प्रैक्टिस भी करेंगे। एक दो आपको दिख भी रहे होंगे, अंदर बहुत सारे हैं, तो वहां से मैं प्रैक्टिस भी करूंगा दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले आप जान लीजिए कि सर क्या तरीका होगा, अभी तक आप रट के आते थे लेकिन अब मैं सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा दोस्तों। और वादा करता हूं, अगर आप थोड़ी बहुत भी नहीं जानते उसके बारे में, हिंदी भी नहीं जानते दोस्तों, तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से सही कर पाओगे एग्जाम में, एकदम मेरा वादा है आप लोगों से, ठीक है ना। तो एक बार सेशन को दमदारी से शेयर करिए और मैं आपको बताता हूं वो तरीका होने क्या वाला है, ठीक है ना। सबसे पहली बातें अगर दोस्तों हम करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे बड़ी समस्या क्या है उसको नोट कर लेते हैं, ठीक है ना। सबसे बड़ी समस्या क्या है दोस्तों, उनको पहले नोट करते हैं। सबसे बड़ी समस्या है, सर ये जो वर्ड लिख रहे हैं ये सबसे बड़ी समस्या है, कितना याद करें। सर इससे भी बड़ी एक समस्या और है, इसी के साथ इसी के भाई को आप कह लीजिए,
और सत्यम सर आप सबसे वादा करते हैं, ये न्यू ईयर के फर्स्ट दिन में वादा करते हैं कि हर एक कठिन चीजें आपको सरल करके सिखाएंगे दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा, आप सबके बीच में अगर ये सबसे बड़ी समस्या है तो इसको क्या करेंगे, एकदम सरल तरीके से समझेंगे, एक स्ट्रेटजी के तरीके से समझेंगे। ठीक है सर, ये सबसे बड़ी समस्या है और ये पूछे जाते हैं, ठीक है ना, ये हमसे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि अगर ये पूछे जाते हैं तो कहां से पूछे जाते हैं, मैटर क्या बन रहा है दोस्तों, अगर ये पूछे जाते हैं तो कहां से पूछे जाते हैं, इनके जो शब्द होते हैं वो कहां से निकल के आते हैं। अगर ये चीज आपको समझना है तो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिए कि सर यह क्या प्रेपोजिशन का पूछेगा क्या, सिनोनिम बता दीजिए आप लोग, प्रेपोजिशन का पूछेगा क्या, कंजंक्शन का पूछेगा क्या, कि दैट का प्रेपोजिशन, दैट का सिनोनिम क्या होगा, दैट का एंटोनिम्स क्या होगा, नहीं पूछेगा ना दोस्तों। तो रियलाइज करिए, गौर करिए सर ग्रामर में इसको भी आप जोड़ देते हैं, बिल्कुल जोड़ूंगा उसको और अच्छे तरीके से सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा मेरे दोस्त, ध्यान से कॉपी कलम निकाल के बैठिए। अगर दोस्तों सिनोनिम एंटोनिम्स पूछ रहा है तो बात करते हैं तो मुद्दों की, ये चार तरीके से, चार जगहों से पूछ सकता है। वो चार जगह कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों, उनको मैं आपको बताने वाला हूं। एक जगह हो सकता है आपका नाउन हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। दूसरी बात है प्रोनाउन से तो पूछेगा नहीं, जरा बताइए आई का सिनोनिम पूछेगा, आई का एंटोनिम पूछेगा, नहीं पूछेगा दोस्तों। यानी आपका ये नाउन से पूछ लिया, और दूसरा आपका पूछ सकता है तो किससे पूछ सकता है, एडजेक्टिव से पूछ सकता है दोस्तों, और तीसरा आपसे किससे पूछेगा, एडवर्ब से पूछेगा मेरे दोस्त, और चौथा आपका किससे पूछ सकता है, आपका वर्ब से पूछ सकता है और कहीं से नहीं पूछ सकता, नोट कर लीजिएगा। इनको पूरा लिख देते हैं, मतलब ये चार जगह हो गए जहां से हमको, ध्यान से समझिए मैं बातें क्या कह रहा हूं, कि ये चार जगह हो गए जहां से सिनोनिम एंटोनिम्स के प्रश्न उठाए जाते हैं। गौर इनके जगहों पे करना है कि ये चार तरीके ऐसे हैं, चार जगह ऐसे हैं जहां से सिनोनिम एंटोनिम्स के प्रश्न उठाए जाते हैं। रटो मत, पहले तरीका सीखो और नोट करो कि सिनोनिम एंटोनिम्स किन चार जगहों से पूछे जाएंगे। आपका नाउन हो सकता है, आपका एडजेक्टिव हो सकता है, आपका एडवर्ब हो सकता है, आपका वर्ब हो सकता है, मतलब ये चार ऐसे तरीके, चार ऐसे जगह है दोस्तों जहां से आपके सिनोनिम एंटोनिम्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। ये पहली बातें थी, अब मैं आपको एक चीज और बचाना चाहता हूं, जरा ध्यान से समझेंगे, ठीक, ध्यान से इस बातों को समझेंगे। जैसे कहीं एग्जाम में देने गए हो आप, ठीक है ना, एग्जाम में बैठे हैं, एक कोई शब्द आ गया, जैसे मैं बोलता हूं इंक्रीमेंट आ गया, क्या आ गया, मान लो मैं पेपर देने गया या न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं, एक शब्द आ गया इंक्रीमेंट, आई डोंट नो अबाउट दिस वर्ड, मैं इसके बारे में नहीं जानता क्या लिखा है, इसकी हिंदी क्या होती है, कोई मतलब नहीं, चलिए। लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि इस शब्द पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका है क्या, नाउन है कि एडजेक्टिव है कि वर्ब है, मैं तरीका बताऊंगा आपको कैसे बता लोगे, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया बेटा, ये हमारा क्या है दोस्त, नाउन है, ये हमारा शब्द जो लिखा है ये हमारा नाउन है। और अगर जानिए कि अगर आप एग्जाम में गए हैं, ठीक है ना, एग्जाम देने गए तो चार ऑप्शन तो आपको जरूर देगा, और उस ऑप्शन में अगर दिया है कि पहला एक ऑप्शन दे दिया, और यहां दूसरा ऑप्शन दे दिया, दो दे दिया, और यहां आपका तीसरा ऑप्शन दे दिया, और यहां आपका क्या कर दिया, चौथा ऑप्शन दे दिया। अब इसमें जरा चेक करते हैं, जैसे पहले ऑप्शन में आपका ऑप्शन क्या दिया, नाउन दिया है दोस्तों, पहले में आपका क्या दिया है, ध्यान से, पहले में आपका नाउन दिया है, दूसरे में आपका क्या दिया है, एडजेक्टिव दिया है, तीसरे में दिया है आपका एडवर्ब दिया है, और चौथे में आपका क्या दिया है, वर्ब। मैं आपसे सिर्फ एक बातें पूछना चाहता हूं, जरा ध्यान से बताएंगे एकदम सोच समझ के, कि अगर जो शब्द दिया था वो क्या दिया था, इंक्रीमेंट दिया था, मुझे पता नहीं है कि इंक्रीमेंट मतलब होता क्या, नहीं, लेकिन हमको पता चल गया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा है क्या, नाउन है। अभी मैं तरीका बताऊंगा दोस्तों, घबराएंगे नहीं आप लोग कि कैसे सर पता चला कि वो नाउन है। तो आपसे मैं पूछा, अगर इस वे में आपके आंसर दिए गए हैं, इस वे में आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो सबको चेक कर लिए, इस प्रकार के ऑप्शन है, तो बताइए नाउन का सिनोनिम्स क्या होगा, बताइए नाउन का सिनोनिम नाउन्स होगा कि आपका एडजेक्टिव होगा कि वर्ब होगा कि एडवर्ब होगा। अब इसलिए आपके आंसर आने चाहिए, सर नाउन का सिनोनिम क्या होगा, सर नाउन का सिनोनिम आपका नाउन ही हो सकता है, नाउन का सिनोनिम कभी भी एडजेक्टिव नहीं होगा, कभी भी एडवर्ब नहीं होगा, और कभी भी वर्ब नहीं होगा। अगर पूछा कोई एडजेक्टिव दे दिया तो एडजेक्टिव के सिनोनिम या एडजेक्टिव के एंटोनिम्स क्या होंगे, एडजेक्टिव ही होंगे, ना कि नाउन होगा, ना एडवर्ब होगा, ना वर्ब होगा, मतलब नाउन के सिनोनिम नाउन होंगे, नाउन के एंटोनिम्स नाउन होंगे, एडजेक्टिव के सिनोनिम एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव का एंटोनिम क्या होगा आपका, मतलब जो पूछा गया है, जो जिसके वे में है उसी के वे में जाएगा। अगर बोला वर्ब के सिनोनिम क्या होंगे, क्या एडजेक्टिव हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल, आपका वर्ब है तो वर्ब का सिनोनिम आपका वर्ब ही होगा, एडजेक्टिव है तो वर्ब आपका एडजेक्टिव का सिनोनिम्स क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव का एंटोनिम्स क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। कॉपी कलम निकाल के कांसेप्ट लिखो, अब आप समझ गए होंगे सर मैं कहना क्या चाहता हूं, ठीक है। मतलब अगर एक ऑप्शन आपका नाउन दिया, बाकी सब अलग दिए हैं, तो एक ऑप्शन आप यहां कहीं सही करके चले आओगे। और सर अगर ऐसा हो गया एग्जाम में कि ये देखिए, जैसे पहले ऑप्शन हो गए, पहला, दूसरा,
तीसरा और चौथा। और इसमें क्या कर दिया सर, ये नाउन दे दिया और ये ऑप्शन भी नाउन दे दिया, मान लीजिए ये एडजेक्टिव दे दिया और ये आपका वर्ब दे दिया। तो चलिए ठीक है सर, इसको मैंने काट दिया और इसको काट दिया और नाउन का पूछता है, अब दोनों तो सही कर नहीं पाएंगे, अब सर दो ऑप्शन आ गए, अब क्या करेंगे, ट्रिक गायब हो गया। अब मैं बता रहा हूं दोस्तों, सत्यम सर और इंग्लिश कभी गलत नहीं हो सकती, ठीक है ना, इसको ध्यान से समझिएगा। मैंने बोला ना कि एक बैकग्राउंड रहा है, क्या एक्सपीरियंस का मतलब नई नई चीजों को खोजना हुआ, एक बैकग्राउंड रहा है, सरल करने का एक बैकग्राउंड रहा है, ठीक। अब उसमें मैंने क्या बोला कि आपको बोला अगर एक से ज्यादा ऑप्शन नाउन के आ गए दोस्तों, तो अब आप क्या करेंगे, चलिए सारी चीजें मैं अभी बताऊंगा, ध्यान से कहीं जाना नहीं आपको, अच्छे तरीके से कॉपी कलम निकाल के मेरे साथ पढ़िए आप, और एक बार सेशन को दमदारी से मेरे दोस्त शेयर कर लेंगे सभी लोग। तो चलिए पहले तरीका सीखते हैं कि भाई चार जगहों से पूछ सकता है, अब इन चार जगहों को पहचानने के क्या तरीके होंगे हमारे, वो मैं समझता हूं दोस्तों, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। मैंने धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे दोस्तों तभी बन पाएगा, नहीं तो जो तरीका तो मैं पिछले 17-18 साल से नहीं सीखते आया हूं, वो 10 मिनट की वीडियो में कैसे सीख सकता हूं, 1 मिनट की क्लास में, 1 घंटे की क्लास में कैसे सीख सकता हूं। लेकिन अगर इसे घंटे की क्लास को अच्छे तरीके से समझते हैं दोस्तों, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर सीख पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए एक बार दमदारी से थंब इंप्रेस कर दीजिए, फिर अगला कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं कि कैसे आप चेक करेंगे, ठीक है ना, कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, चलिए उनको समझते हैं दोस्तों। इससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सबको दे देते हैं कि आप सबके बीच में हिंदी 6.0 का जो बैच है दोस्तों, वो मात्र 999 रुपए में अवेलेबल है, यूपी टेट की बैच 999, सुपर टेट आप सबके बीच में है, साथ ही साथ आरओआरयू की बैच दोस्तों और एसएससी जीडी और वीडियो मॉक टेस्ट सब कुछ अवेलेबल आप सबके बीच में है। तो जल्द से जल्द जो परचेज करना चाहेंगे इसे जल्द से जल्द परचेज कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए बिना समय गवाए सेशन को स्टार्ट करते हैं और बेहतरीन तरीके से आप सबके बीच में ये स्लाइड है और इसको नोट करिए अच्छे तरीके से जल्द इसको अच्छे तरीके से नोट करिए। देखिए अगर नाउन को पहचानना है, ठीक है ना, तो आपको क्या समझना होगा दोस्तों, अगर किसी शब्द के अंत में टी आई ओ एन आ गया, क्या आ गया, टी आई ओ एन आ गया, और किसी शब्द के अंत में एस आई ओ एन आ गया, ठीक है ना। अगर इनको चेक करते हैं, जैसे देखो टी आई ओ एन आ गया, जैसे मैं लिखता हूं स्टेशन, क्या लिखता हूं दोस्तों, स्टेशन लिखता हूं तो टी आई ओ एन आ गया, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन लिखा तो टी आई ओ एन आ गया, जिस शब्द के अंत में टी आई ओ एन आ गया, तो आप क्या करोगे, अच्छे तरीके से समझोगे कि हमारा क्या है सर, ये नाउन है, भले हिंदी उसकी ना आए बेटा, जैसे इंक्रीमेंट लिखा था एम ई एन टी लास्ट में आता है तो हमारा नाउन होता है। जरा ध्यान से सब कुछ पहले नोट करिए, एस आई ओ एन आ गया, जैसे आपकी पेंशन हो गई, क्या होगी, पेंशन हो गई दोस्तों, और आपकी एडमिशन हो गई, लिख लीजिएगा यहीं पे, चलिए हाँ हो नहीं पा रहा है, एक ही लिखिए आप, ठीक है ना। एम ई एन टी आ गया, जैसे मैंने अभी इंक्रीमेंट बोला, ठीक है ना, इंक्रीमेंट लिख लीजिए, ठीक है ना। और किसी शब्द के अंत में एस एच आई पी आ गया, जैसे फ्रेंडशिप, क्या दोस्तों, फ्रेंडशिप आ गया आपका, ठीक है ना। अब मैंने बोला टी एच आ गया, जैसे आप बोले ग्रोथ, ठीक है ना, जैसे आई सी एस आई, आई सी एस आ गया, कहने का मतलब एडवाइसेस, जरा ध्यान से देखिएगा, आपका ई आ गया, जैसे आपने टीचर लिखा, जैसे डी ओ एम आ गया, जैसे मैंने बोल दिया किंगडम, क्या बोल दिया मेरे दोस्त, या मैं बोल दिया फ्रीडम, ठीक है ना। मैंने ओ आर बोला, जैसे मैंने बोला डॉक्टर, ठीक है ना। जी ई बोला, जैसे मैंने बोल दिया नॉलेज, ठीक है ना। ए आर बोला, जैसे मैंने बोला अल्टर, सीई बोला, तो जरा ध्यान से देखिएगा, इसको प्लूरल बना दिया दोस्तों, एडवाइसेस लिख दिया, और यहां भी एक लीजिएगा जिसे फिजिक्स लिख दिया, क्या लिख दिया, ठीक। अब सीई आ गया, जैसे नॉर्मल है तो एडवाइस, ठीक। अब टी वाई आ गया, तो जरा ध्यान से, जैसे आपका क्या हो गया, ऑनेस्टी आ गया। आर वाई आ गया, तो आपका क्या आ गया, जैसे आपका ब्रेवरी आ गया। अब जरा ध्यान से मेरे साथ समझेंगे कि अगर शब्द के अंत में ये चीजें आती हैं तो ये पॉसिबल है कि हमारी संभवतः क्या हो गई, नाउन ही होंगी, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से, नहीं कुछ एक्सेप्शन के भी शब्द होते हैं दोस्तों, तो उसको बीच में नहीं ला देना सर ये क्या हो गया, आपको मोस्टली सही करने का तरीका सीखना है, ठीक है ना। 110% अपनी नहीं कि सर एक्सेप्शन में ये शब्द इसके अंत में आ रहा है तो ये हो जा रहा है, लेकिन आपको सही करने का तरीका मैं बता रहा हूं दोस्तों, आप किस प्रकार करोगे। मोस्टली अगर अंदर आती है बार लास्ट में अगर टी आई ओ एन आ गया दोस्तों, तो क्या होगा, नाउन होगा।
एस आई ओ एन आ गया तो क्या होगा, नाउन होगा। एम ई एन टी आ गया तो क्या होगा दोस्तों, नाउन होगा। एस एच आई पी आ गया तो क्या होगा, नाउन होगा। टी एच आ गया दोस्तों तो क्या होगा, नाउन होगा। आई सी एस आ गया तो क्या होगा दोस्तों, नाउन होगा। ई आर आ गया तो क्या होगा, नाउन होगा। डी ओ एम आ गया दोस्तों तो आपका क्या होगा, बिल्कुल नाउन होगा। और अगर ओ आर आ गया तो क्या होगा, नाउन हो गया। अगर 10 जी ई आ गया तो दोस्तों क्या होगा, हमारा नाउन होगा। नोट कर लीजिए इसको। 11 नंबर क्या है सर, अगर ए आर आ जाता है तो क्या होता है, नाउन होता है। 12 में जरा ध्यान से देखिए, सी ई आ जाता है तो क्या आपका होता है, नाउन होता है। नोट कर लीजिए इसको अच्छे तरीके से। और अगर टी वाई आता है दोस्तों तो क्या होगा, फिर भी सर नाउन होगा। अगर आर वाई आता है तो फिर भी क्या होगा, नाउन होगा। आप जरा ध्यान से एक चीज समझिए, अगर अंत में ये चीजें आती हैं तो आपका क्या होगा, आप समझ जाएंगे सर नाउन होगा। अगर ऑप्शन पहले वाले के वे में दिया होगा, जैसा कि मैंने बताया था, अगर पहले वाले वे में आंसर दिया होगा, जैसे इस वे में अगर आपका एक नाउन दे दिया दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, अगर एक नाउन दे दिया और तीन अलग चीजें दी है जहां से आपके सिनोनिम एंटोनिम्स उठाए जाते हैं, यही चार तरीका है आपका जहां से सिनोनिम एंटोनिम्स उठाए जाते हैं, तो इस वे में दिया तो आप तुरंत देख लोगे ऑप्शन में इन सब चीजों में जितना मैंने लिखवाया जो मैच कर रहा होगा, आंख मूंद के आप टिक करके चले आए, एक नंबर आपका फिक्स हो गया, ठीक। और अगर इस वे में आ गया तब क्या करेंगे, पहले इनको नोट कर लीजिए। अगर पहले ये नोट कर लीजिए कि अगर नाउन आने के कितने चांसेस हैं और नाउन होने का क्या तरीका होता है, पहले इनको नोट कर लेंगे फिर मैं बताता हूं कि सर जैसे पहला वाला जो हो गया, एक नाउन अगर ऑप्शन में दिया तो आप सही कर लोगे, लेकिन एक से अधिक नाउन आ गए, जैसे चारों ऑप्शन नाउन का आ गया और नाउन का पूछा है, तब क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, पहले इनको नोट कर लो, ठीक। चलिए ये चीजें क्लियर हो गई, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से समझते हैं सर, जैसे पहले ऑप्शन के लिए तो क्लियर हो गया, अब मैं बात करूंगा जैसे नाउन से क्या पूछा, नाउन से अगर पूछ रहा है सिनोनिम, नाउन से पूछ रहा है सिनोनिम और नाउन से पूछ रहा है एंटोनिम्स, तो दोस्तों आपको एक मजे की बात बताता हूं, भले रटते चले गए लेकिन एकदम ध्यान नहीं गया, एकदम नॉर्मल सी बात बताता हूं। अगर नाउन से सिनोनिम एंटोनिम्स पूछेगा मेरे दोस्त, तो ये कभी नहीं हो सकता, वो नाउन आपका ये नहीं होगा, पहली बात तो प्रॉपर नाउन नहीं होगा, दूसरी बात तो आपका मेटेरियल नहीं होगा। ये दो नाउन आपके नहीं हो सकते अगर नाउन से पूछा है, पहले मेरी बात अच्छे तरीके से समझिएगा तभी समझ सकते हैं आप, ठीक है ना। थोड़ा कॉन्सेप्ट नहीं थी यार, जो चीजें हम 17 साल से नहीं सीख पाए वो तो एक घंटे की क्लास में कैसे सीखेंगे, लेकिन अच्छे तरीके से ध्यान से समझेंगे तो जरूर सीख पाएंगे दोस्तों, और मैं वादा करता हूं आपको सिखा के छोड़ूंगा, ध्यान से मेरी बात को समझिए। तो नाउन की ये तरीके दो तरीके से तो नहीं पूछ सकता, तो सर अब पूछ कहां से सकता है वो मैं आपको बताता हूं, पूछ सकता है सिर्फ दो जगहों से, वो कहां से होता है, तीन जगहों से, मतलब आपका पूछेगा तो आपका होगा कलेक्टिव नाउन, कौन सा होगा दोस्तों, कलेक्टिव नाउन होगा। बचा कौन सा आपका इसके बाद, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और आपका कौन सा है, आपका कॉमन नाउन। मतलब ये तरीकों से यहां से क्या करता है, सिनोनिम एंटोनिम्स पूछ सकता है और इन दो जगहों से दोस्तों नहीं पूछ सकता। ये चीजें तो एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। हाँ सर बात तो सही थी, बताओ राम का सिनोनिम पूछेगा क्या, पूछेगा क्या सत्यम का क्या सिनोनिम्स होगा, कभी नहीं पूछेगा सर। प्रॉपर नाउन की नहीं पूछेंगे और कौन से नहीं पूछेंगे, मटेरियल बताएगा, चीनी का क्या होता है, शुगर का क्या होता है, मिल्क का क्या होता है, सर नहीं ऐसे नहीं पूछेगा, तीन जगहों से पूछ सकता है, कहां से पूछेगा, कलेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट और कॉमन से पूछ सकता है। तो हम चेक करेंगे अगर आप ऐसा आ गया दोस्तों कि ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, एक नंबर में, दो नंबर में, तीन नंबर में और चार नंबर में, और सबसे बड़ी बात अगर बोल दिया कि अगर पूछा है जो पूछा है वो भी हमारा नाउन हो गया, नाउन से क्वेश्चन पूछा और ऑप्शन सर इस वे में दे दिया, तब आप क्या करेंगे। अगर नाउन एक ही नाउन दिया और तीन अलग दे दिया, एडजेक्टिव वर्ब और एडवर्ब तो समझ जाएंगे, लेकिन अगर चारों नाउन दे दो घबराने की कोई बात नहीं यार, अगर चारों नाउन दे दिया तो आपको समझना है कि इन्हीं तीन नाउन के ऑप्शन होंगे आपके पास, केवल इन तीन नाउन के ऑप्शन होंगे। तो सबसे पहले इस नाउन को हम चेक करेंगे कि हमारा कौन सा नाउन है, आपको समझना होगा, तब आपको पार्ट में जाके चेक करना होगा दोस्तों, ठीक है ना। मोस्टली आपको इतना हार्ड बनाएगा नहीं दोस्तों, अक्सर आप जाके एक बार चेक प्रैक्टिस करेंगे, नॉर्मल में आप चेक ही कर लेते हो लेकिन एक बार जरूर प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, तो इसको सोचेंगे कि ये किस नाउन में इन्वॉल्व हो सकता है, इस नाउन में किस नाउन में हो सकता है उसको चेक करेंगे, उसके बाद इस ऑप्शन को मैच कराएंगे। जैसे वो कहीं ना कहीं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपका है, किसमें है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसका भी तरीका बताऊंगा दोस्तों कि कैसे
बिना उसके अर्थ जाने आप कैसे समझ पाओगे कि ऑब्जेक्ट नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कैसे हम समझ पाएंगे सर कि कलेक्टिव नाउन बिना उसके अर्थ जाने? दोस्तों वो भी मैं तरीका सिखाऊंगा, अभी घबराइए मत, ठीक है ना। तो क्लियर समझ लीजिए, जैसे वो दे दिया कलेक्टिव नाउन का, ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन दिया वो कौन सा कलेक्टिव नाउन का दिया है, तो नीचे आप देखेंगे इन चारों में एक ऑप्शन जरूर होगा कलेक्टिव नाउन का होगा, उसी को जैसे मान लीजिए थर्ड नंबर में कलेक्टिव है तो इसको खा करके टिक करके चले आइए। सर लेकिन उसके अर्थ ही नहीं जानते, उसके बारे में ही नहीं जानते तो कैसे समझेंगे सर? बिल्कुल मैं भी बताऊंगा, बने रहे हमारे साथ। आपको मैं ये भी तरीका सिखाऊंगा कि बिना उसके अर्थ जाने, बिना उसके हिंदी में जाने दोस्तों कैसे कहेंगे सर वो कलेक्टिव नाउन है और ये मेरा कॉमन नाउन है, वो मेरा कौन सा ऑब्जेक्ट नाउन, वो तरीका मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो एक से अधिक ऑप्शन पे होने पे क्या करते हैं, उसके टाइप्स को चेक करते हैं मेरे दोस्तों, अच्छे तरीके से आप समझ सके होंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं क्या होने वाला है। जैसे आप मान लीजिए एडजेक्टिव से पूछ लिया, कहां से पूछ लिया मेरे दोस्त, एडजेक्टिव से पूछ लिया। अब एडजेक्टिव से पूछेगा तब आप क्या करोगे, इसको समझना है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए एडजेक्टिव कैसे पहचानेंगे दोस्तों, ये बात मायने रखती है। जैसे एफ यू एल आ गया, ठीक है ना, तो एफ यू फुल आ गया, जैसे इसको मैं बोल दिया, जैसे लास्ट में एफ यू एल आ गया, जैसे कलरफुल, कलरफुल, ट्रूथफुल, ठीक है ना, आई सी ई आई सी आ गया, ठीक है ना। अगर मैं बोलता हूं कि एफ यू एल लास्ट में आ गया तो एडजेक्टिव हो गया, आई सी आ गया तो क्या होता है, एडजेक्टिव हो गया। जैसे आपका जेनेटिक हो गया, ए बी एल आ गया तो जरा ध्यान से देखिएगा, रीडेबल हो गया दोस्तों, डिपेंडेबल हो गया, ठीक है ना। अब ए एल आ गया, जैसे मैंने बोला वोकल हो गया, नेशनल हो गया, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। जैसे वीई आ गया, जैसे मैंने बोला पॉजिटिव, मैंने बोला नेगेटिव, ठीक है ना। ओ यू एस आ गया, जैसे कंटिन्यूअस, क्या बेटा, ऑडियस। जैसे आई बी एल आ गया, परमिसिबल, ठीक है ना, परमिसेबल। अगर ये चीजें मैंने क्या बोला, पहला आप जरा ध्यान से देखिएगा, एफ यू एल आता है, आई सी आता है, ए बी एल आता है, आपका ए एल आता है, वी ई आता है, ओ यू एस आता है और आई ए बी एल ई, आई बी एल आ गया जैसे परमिसेबल हो गया, ए बी एल आ गया तब भी होता है दोस्तों, आई सी आता है तब भी होता है। मतलब ये तरीके अगर लास्ट में ये चीजें दिखती है मेरे दोस्त तो आपकी क्या होगी, एडजेक्टिव होगी। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब एडजेक्टिव में क्या चेक करना है, जैसे एडजेक्टिव दे दिया, अगर एक ऑप्शन आपके किसके दे दिया, नाउन का दे दिया, वर्ब का दे दिया और आपका एडवर्ब का दे दिया और ये वाला एडजेक्टिव का दे दिया, तो आपको आंख मूंद के ये सही कर देना होगा। और अगर ये तरीके दे दिए कि कितने हो गए तो आपको ये समझने होंगे भाई एडजेक्टिव के टाइप्स में बात करेंगे, और एडजेक्टिव के टाइप से दोस्तों आपके न्यूमरल एडजेक्टिव से तो कभी पूछेगा नहीं, जहां से आपका पूछता है जरा ध्यान से देखिएगा, इसके टाइप भी आपको मैं बताऊंगा, पहले आप यहां नॉर्मल समझिए, ठीक है ना। तो इस ऑप्शन को तो आप तुरंत देखते ही सही कर दोगे मेरे दोस्तों, अच्छे तरीके से सही कर दोगे, लेकिन इसके टाइप्स भी आपको समझाऊंगा, पहले इनको समझ लीजिए कि किसी भी शब्द के अंत में एफ यू एल आ गया दोस्तों और आपका आई सी आ गया, ए बी एल आ गया, ए एल आ गया, वी ई आ गया, ओ यू एस आ गया, आई बी एल आ गया, तो ये हमारा क्या होता है दोस्तों, एडजेक्टिव होता है। अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए इसको, पहले अच्छे तरीके से इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो गया हूं, स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, ठीक है ना। फिर इसके साथ अगला देखते हैं, फिर आगे क्या होता है, अगला देखते हैं एडवर्ब कैसे पहचानेंगे, ठीक है ना। मैंने नाउन को तो पहचान लिया, नाउन के साथ एडजेक्टिव को भी पहचान लिया, अब बारी आ गई किसकी, एडवर्ब को पहचानने की। अब एडवर्ब में समझना है भाई, एडवर्ब में क्या होता है, अक्सर एलवाई जुड़ा होता है ना, देखते हैं। अगर एडजेक्टिव में ध्यान से, अगर कोई नाउन है और उसमें एलवाई जुड़ा है, नॉर्मल एडजेक्टिव जो होते हैं दोस्तों वो डायरेक्ट भी आते हैं तो उसमें एलवाई होता भी है, ठीक है ना। बोला नाउन में एलवाई जुड़ता है तो हम क्या पाते हैं, एडजेक्टिव पाते हैं, ठीक। अब बोला कि किसी अगर एडजेक्टिव में एलवाई जुड़ा, क्या किसी एडजेक्टिव में एलवाई जुड़ा तो हमारा क्या होता है, हमारा वो एडवर्ब होता है, क्या होता है दोस्तों, एडवर्ब होता है। जैसे देखिए ब्यूटीफुल में एलवाई जुड़ा तो आपका क्या बनता है, ब्यूटीफुली बनता है, तो ब्यूटीफुली हमारा क्या हो जाएगा, बताइए, हमारा तुरंत एडवर्ब हो जाएगा। ब्यूटीफुल क्या होता है, एडजेक्टिव, और इसमें एलवाई जोड़ देते हैं तो ब्यूटीफुली हो जाएगा, जो कि हमारा क्या होगा, हमारा तुरंत एडवर्ब बन जाएगा। मतलब किसी भी एडजेक्टिव में, किसमें दोस्त, एडजेक्टिव में आपको क्या करना है, एलवाई जगा देना और ये आपका ऑलरेडी क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा दोस्तों, क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। इनको अच्छे तरीके से आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। और भाई नाउन में एलवाई जुड़ता है तो एडजेक्टिव बनता है, नॉर्मल कुछ ऐसे ही आते हैं जो डायरेक्ट होते हैं, ठीक है ना, इनको नोट कर लीजिए दोस्तों, एडवर्ब
जाने का तरीका, और यही रूल वो पुराना वाला रूल इनमें भी लागू होगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं और आगे क्या होने वाला है। इससे पहले आपको बताऊं अपनी हिंदी की किताब आप सबके बीच में दोस्तों, जो कि मात्र 299 रुपए में आ चुकी है। पूरे 36 चैप्टर अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किए गए हैं, हिंदी के बादशाह नितिन सर द्वारा इसको पढ़ाया जाएगा। दोस्तों जो भी इंटरेस्टेड होंगे, अपनी हिंदी मजबूत करना चाहते हैं, तो ये बुक जरूर ऑर्डर करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। और साथ ही साथ श्री 91 के इस बेस्ट पेल पाप में आप सबके बेहतरीन तरीके से सारे बुक्स अवेलेबल है दोस्तों। जो भी आप परचेज करना चाहे जल्द से जल्द परचेज कर सकते हैं। जैसे वीडियो की है, पेट कॉम्बो बुक है, पेट बुक है, आरओआरओ के लिए बुक है, लेफाल के लिए बुक है दोस्तों। और सबसे बड़ी मैं बात आपको बताऊं कि पूरे भारत में कहीं भी आप इसको अगर मंगवाते हैं तो फ्री होम डिलीवरी है दोस्तों, कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है ना। इस बुक को परचेज करने में कोई परेशानी हो तो 7007737525 पे कॉल करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं क्या होने वाला है मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो अगला क्या होता है जी, वर्ब को। अभी तो हम किसको किसको पहचानना सीख गए कि नाउन को हम पहचान लेंगे सर अगर कुछ नहीं जानते फिर भी, और आपके एडजेक्टिव को हम पहचान लेंगे दोस्त, और आपको क्या पहचान लेते, एडवर्ब को पहचान लेंगे। अब तरीका आ गया वर्ब को पहचानने का, मतलब नाउन का ट्रिक हमको मिल गया है कैसे पहचानेंगे, एडवर्ब का हमको मिल गया है दोस्तों कैसे पहचानेंगे, एडजेक्टिव का हमको मिल गया है कैसे पहचानेंगे। और अगर इनमें ये तीनों ट्रिक अगर ना मिले, जैसे बोलते हैं कोई शब्द हमारे पास आ गया और उनको नाउन पहचानने का तरीका तो मेरे पास हो गया, और एडजेक्टिव पहचानने का तरीका तो मेरे पास हो गया, और यहां बोलता हूं एडवर्ब पहचानने का तरीका तो मेरे पास हो गया, और जो चीजें ट्रिक में ना मिले, ध्यान से देखिएगा अभी जो मैंने आपको ट्रिक बताया, जो चीजें अगर उसमें नहीं मिलती तो हमारी क्या हो जाएंगी, वो हमारी वर्ब हो जाएंगी। मतलब जिसका ट्रिक मैंने नहीं दिया और जो शब्द में ट्रिक नहीं होगा, जिसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगा दोस्तों, वो हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला प्ले, अब बताइए पी एल ए वाई, तो क्या मैंने बोला क्या लास्ट में ए वाई आने से क्या होगा, ऐसा तो मैंने बोला नहीं। ध्यान से, अब एक शब्द मैंने बोला कि लास्ट में सर वाई आ गया तो क्या हो जाएगा, इन सब तरीकों को मैंने बताया नहीं। आर यू एन आ गया, क्या आ गया, आर यू एन, तो बताइए कोई शब्द मैंने बताया क्या यू एन आने से ये होता है, ऐसा कुछ नहीं। तो ध्यान से समझिएगा, जो इन ट्रिक में नाउन को पहचानने का ट्रिक मेरे पास है, एडजेक्टिव को पहचानने का ट्रिक मेरे पास है, एडवर्ब को पहचानने का ट्रिक है मेरे पास, लेकिन वर्ब को पहचानने का नहीं है। जो चीजें, जो शब्द पूछ लिया जाएगा अगर इन ट्रिक में नहीं फॉलो होगा, तो समझिएगा सर ऑप्शन कहां से लिया गया है, वर्ब से लिया गया है, और चारों ऑप्शन में कौन सा हम सही करेंगे, जो ऑप्शन मेरे वर्ब का होगा दोस्तों। तो अच्छे तरीके से ये तरीका बिल्कुल सीख जाइए। आपको जो मैंने बताया कि इनको एक बार लिखिएगा और इस पर गहन अध्ययन करिएगा, और आपको करना क्या होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सारे प्रैक्टिस करने होंगे दोस्तों, ठीक है ना। जितने भी प्रैक्टिस होंगे अच्छे तरीके से आप कर लीजिएगा और इनको नोट कर लीजिए। पहली बात, पहले इनको नोट कर लीजिए और देखिए आपके बीच में सिनोनिम्स आया, इसका जरा जवाब दे दीजिए एक बार, और मैं आपको क्या कहता हूं ध्यान से फिर मेरी बातों को। अभी तुरंत आप जाओगे सर तुरंत एक बार प्रैक्टिस करते हैं जो बोला गया, तुरंत आप बेटा ठीक है कुछ कर लोगे मेरे दोस्त, लेकिन जरा ध्यान से देखिएगा, जो तरीका हम 16-17 साल से नहीं सीख पाए हैं वो एक क्लास में हम कैसे सीख सकते हैं, थोड़ी बहुत मेहनत करनी होगी। ये तरीका आपको मदद करेगा दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं, लेकिन डिपेंडेबल नहीं होना एक बार, पहले ठीक है थोड़ी प्रैक्टिस करनी, जितनी प्रैक्टिस कर लोगे दोस्तों उतना आपको ये होता है ना, हिंट देता रहता है कहीं भागने से। अब अगर कुछ नहीं आ रहा है थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, आप समझिए थोड़ी चीजें से रूबरू होंगे तो ये आपको मदद करता है, कहीं अगर फंस चुके हैं ना तो वहां से निकालने के लिए आपको मदद करेगा दोस्तों। तरीका आप सही कर पाओगे, तुक्का मारने से आपको बचना होगा, ठीक है ना। तो वहां आपको मदद करता है जो केवल तुक्का मारने चले जाते हैं, थोड़ी बहुत मेहनत करेंगे थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आपको क्या करना होगा, अच्छे तरीके से उनको गहन अध्ययन करेंगे दोस्तों, आप अच्छे तरीके से सीख पाएंगे, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है मेरे दोस्त। तो ठीक है ना, सब लोग स्ट्रेटजी बनाइए और अच्छे तरीके से, मैं बुक का ऐप की अलग से क्लास दूंगा मेरे दोस्तों, वन वर्ड भी उसमें होगा, फ्रेज भी होगा, सिनोनिम एंटोनिम्स भी होगा, और आपका बेहतरीन तरीके से ग्रामर का पोर्शन तो चल ही रहा है दोस्तों। तो सब मेरे साथ शेयर करिए और एक बार प्रॉमिस लीजिए कि अच्छे तरीके से मन लगा के इस नए साल से हम शुरुआत करते हैं, 2023 को एकदम बेहतरीन कैसे एक टारगेट अचीव करना है, और सबको यहां पे क्या करनी है, बॉन्ड बना लीजिए और डेडलाइन फिक्स कर देनी है कि इस बार सीएचएसएल पार कर देना, अच्छे तरीके से मन लगा के मेहनत करेंगे मेरे दोस्त। और मैंने बोला ना कि जिंदगी की जंग में यदि किसी पे भरोसा है तो हार जाओगे, लेकिन याद रखना मेरे दोस्तों, हर एक संघर्ष में, हर एक विषम परिस्थिति में अपने इस भाई को अपने साथ खड़ा पाओगे मेरे दोस्तों। तो अच्छे तरीके से एक बार मैंने बोला कि टारगेट आप बनाइए और उसके प्रति ऑल वीक लेट रहिए दोस्तों, दृढ़ संकल्प रहिए, दृढ़ संकल्पित रहिए कि हमको क्या करना है, इस अच्छे तरीके से सीएचएसएल पार कर देना है मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो चलिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा इमेंसिपेट, और इनको जल्द से जल्द इसका सिनोनिम्स बता दीजिए दोस्तों, जल्द से जल्द इनका सिनोनिम्स बता दीजिए। इमेंसिपेट आप सबके बीच में दिख रहा होगा, इमेंसिपेट की सिनोनिम्स बताइए जल्द से जल्द। अब बच्चे तुरंत ट्रिक लगाने लगे, चलो ठीक है लगाओ कोई दिक्कत नहीं, अब बताओ इमेंसिपेट कहने का मतलब क्या होगा। इमेंसिपेट कहने का मतलब होता है दोस्तों, ध्यान से, बरी करना। क्या होता है,
बरी करना या आप कह लीजिए सीधा सीधा स्वतंत्र करना। क्या होता है? स्वतंत्र करना। और ध्यान से आपको मैं बता दूं कि ये रिपीटेड है दोस्तों, ध्यान से सीएचएसएल में पूछे गए आपसे सिनोनिम एंटोनिम से और रिपीटेड जरूर पूछता है दोस्तों, उनको नोट कर लीजिए। इमेंसिपेट, हम मैंने पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को नोट कराया यहाँ पे। इमेंसिपेट मतलब होगा बरी करना या स्वतंत्र करना होगा, नोट कर लीजिए। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो दोस्तों और जरूर रिवाइज करेगा दोस्तों, याद रखिएगा। जितने पुराने क्वेश्चन उनको जरूर आप नोट करेंगे, ठीक है ना। तो इमेंसिपेट नोट करिए। इमेंसिपेट मतलब क्या होगा? बरी करना, स्वतंत्र करना। भाई लिफ्ट मतलब तो आप जानते ही, लिफ्ट मतलब होता है दोस्तों, लिफ्ट मतलब आपका होगा उठाना। क्या होगा दोस्तों? लिफ्ट मतलब होगा उठाना, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं रेज। रेज का मतलब भी तो होता है एक तरीके से उठाने के सेंस में, उठाने के सेंस में होगा। अब राइज, यहां पे नीचे में रेज लिखा है दोस्तों, एक मिनट। राइज मतलब क्या होता है? राइज मतलब तो उगना होता है, ठीक, या नीचे वाला रेज लिखा है। रेज मतलब भी क्या होगा दोस्तों? उठाना होता है। यार हैंड रेज करो, हैंड उठा दो, ठीक है ना। अब लिबरेट मतलब होता है स्वतंत्र करना। क्या होता है? स्वतंत्र करना, या तो आप समझ लीजिए मुक्त करना। क्या दोस्तों? मुक्त करना। नोट कर लीजिए इनको अच्छे तरीके से, स्वतंत्र करना या मुक्त करना। तो आप बताइए सिनोनिम अगर पूछा है दोस्तों तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? डी ऑप्शन सही होने वाला है। और जो मेरे भाई बहन डी ऑप्शन किए होंगे, बिल्कुल सही किए हैं दोस्तों, अच्छे तरीके से इनको नोट कर लीजिए। रिपीटेड क्वेश्चन है और जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इनके ऑप्शन वगैरह सब अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा डिस्क्राइब करके, ठीक। इनको नोट कर लीजिए। इमेंसिपेट कहने का मतलब होता है बरी करना दोस्तों, या स्वतंत्र कर देना। और लिबरेट कहने का मतलब मुक्त करना या स्वतंत्र करना, ठीक है ना, फ्रीडम देने के लिए। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होना है? लिबरेट होना है दोस्तों। इसको अच्छे तरीके से आप नोट कर लीजिए, अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न आप सबके बीच में है, जल्द से जल्द इनको नोट कर लीजिए। देखिए जल्द से जल्द एंटोनिम्स पूछा है। किसका पूछा है भाई? एंटोनिम्स पूछा है, इसको नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। ट्रीआरसी का आपसे पूछा है एंटोनिम्स, इसको नोट कर लीजिए दोस्तों अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे दोस्तों और जल्द से जल्द जवाब देंगे इस प्रश्न का। जल्द से जल्द जवाब देंगे कि क्या होगा, जल्द से जल्द जवाब देंगे कि क्या होगा इसका। चलिए देखते हैं क्या बोला। बोला है कि ट्रायसरी कहने का मतलब होता है, मेरे दोस्त ध्यान से आप समझेंगे, इसके कहने का मतलब होगा विश्वासघात। क्या होगा मेरे दोस्त? विश्वासघात, ठीक है ना। अब अगर हम बात करेंगे हमारे ऑप्शन किस प्रकार के हैं, बिट्रायल कहने का मतलब क्या होगा? बिट्रायल होता है एक तरीके से धोखा होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? धोखा होता है। अब म्यूलिंग कहने का मतलब क्या होता है? म्यूलिंग होता है जैसे किसी की मदद लेना किसी गलत काम में। जैसे मैंने बोल दिया तस्करी, आपके बीच में क्या बोला? तस्करी के लिए, क्या बोला? तस्करी के लिए किसी व्यक्ति का उपयोग करना, उसको क्या बोलते हैं? म्यूलिंग करते हैं। म्यूलिंग मतलब किसी तस्करी कराना है और किसी व्यक्ति का आप उपयोग कर रहे हैं, किसी की मदद से आप कर रहे हैं, ठीक है ना। अब बोला कि लॉयलिटी क्या होती है भाई? लॉयलिटी कहने का मतलब होगा एक तरीके से स्वामी भक्ति। क्या होती है? स्वामी भक्ति। यार बहुत लाल है यार, लॉयलिटी रखता है, गलत काम नहीं करता, तो क्या बोलेंगे? स्वामी भक्ति, स्वामी भक्ति। नोट करेंगे इसको दोस्त, बहुत ही बेहतरीन शब्द है। अब बोला कि रिवेलियन कहने का मतलब होता है, रिवेलियन कहने मतलब होगा मेरे दोस्त विद्रोह होता है। क्या होता है? विद्रोह होता है। तो आप जरा सही टिक कर दीजिए यहाँ पे कि विश्वासघात का क्या पूछा है? एंटोनिम्स पूछा है, मतलब अपोजिट वर्ड पूछा है। तो आप स्वामी भक्ति मतलब यार वो ट्रेजरी नहीं करेगा, रिवेलियन विद्रोह नहीं करेगा, आपके साथ बिट्रायल नहीं करेगा, धोखा नहीं करेगा दोस्तों, आपका करेगा स्वामी भक्ति, मतलब लॉयलिटी रखता है दोस्तों। तो आपका कौन सा सही ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन। और सी ऑप्शन जिन दोस्तों ने दिया होगा बिल्कुल सही ऑप्शन किए हैं दोस्तों, तो इनको नोट कर लीजिए, ठीक। और अगला देखिए। और दोस्तों मैं इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप सबके बीच में हिंदी इंडिविजुअल का कंप्लीट बैच आ चुका है, जो कि मात्र 299 रुपए में दोस्तों। और जल्द से जल्द जो भी बेहतरीन तरीके से हिंदी को पढ़ना चाहते हैं, हिंदी के बाद साथ नितिन सर से अगर पढ़ने का मौका आपको मिलेगा, केवल 999 रुपए में इस बैच से आप जुड़ जाइए और जल्द से जल्द हिंदी को बेहतर बनाइए, ठीक। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और अगला आप सबके बीच में दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसको
पहले जाके नोट करिएगा और उस पर आप गहन अध्ययन करेंगे तब जाके आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा दोस्तों, और उस पर थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा, आपको हमेशा रटने से छुटकारा मिल जाए, छुटकारा मिल जाएगा मेरे दोस्त। तो एक बार उसको मैं विनती करता हूँ, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि जाके नोट करिएगा उसको। नोट करने के बाद अच्छे तरीके से उस पर गहन अध्ययन करेंगे दोस्तों, और जितने भी ऑप्शन होंगे सब मैच करा के सब आप टिक करिए, बस पहचानना सीखिए। लास्ट जो मैंने सब बताया उसको पहचानना सीखिए, उसके बाद मैं आपको तरीका बताऊंगा, फिर अच्छे तरीके से इनके पार्ट का भी तरीका मैं लेकर आऊंगा दोस्तों, उसको भी आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए, क्या बोला, फर्स्ट ईयर कहने का मतलब क्या होता है? चलिए लिख लीजिए, फर्स्ट ईयर कहने का मतलब क्या होगा, इनके सिनोनिम्स पूछ लिया भाई। फर्स्ट ईयर कहने का मतलब क्या होगा, एक तरीके से फर्स्ट ईयर समझ लीजिए कि शपथ लेकर किसी को त्यागना, पूरी तरीके से आप समझ लीजिए कि त्यागने के सेंस में है, क्या त्यागना होता है, क्या होता है, त्याग होना आता है भाई, शपथ लेकर, शपथ लेता हूं कि मैं तुमको त्याग दूंगा, मतलब शपथ लेकर त्यागना, तो त्यागने के सेंस में है। अब बोला स्वीयर मतलब क्या होता है, स्वीयर मतलब होता है कसम, क्या होता है दोस्तों, कसम बोलते हैं ना, गॉड स्वीयर भगवान की कसम। आगे बोला ऑथ कहने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी दोस्तों एक तरीके से होता है कसम, आप समझेंगे या आप समझ लीजिए शपथ समझ लीजिए, क्या शपथ समझ लीजिए। अब बोला अब्यूज मतलब तो सब जानते होंगे, अब्यूज मतलब होता है गाली देना, क्या होता है, गाली देना। अब बात कर लिया फॉरसेक कहने का मतलब होता है, फॉरसेक कहने का मतलब भी मेरे दोस्त होता है त्यागना। तो आप जल्द से जल्द अब जवाब दीजिए कि सही जवाब क्या होने वाला है। बोला कि सिनोनिम्स का जो सही जवाब होगा फॉरसेक, फॉरसेक कहने का मतलब क्या होगा, फॉरसेक होगा दोस्तों जो कि आपसे कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है दोस्तों। तो जल्द से जल्द इनको नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, रिपीटेड होता है 100% सिनोनिम इंटरनेट बुक है, आपके रिपीट होगी दोस्तों, और पिछले प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में फर्स्ट ईयर के सिनोनिम पूछे गए थे दोस्तों 2016, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न आप सबके बीच में है, ध्यान से देखिएगा, इंक्लीमेंट कहने का क्या मतलब है, इनके एंटोनिम्स बताइए आप अच्छे तरीके से, जल्द से जल्द इनको नोट कर लीजिए कि इंक्लीमेंट कहने का मतलब क्या होगा और इनके एंटोनिम्स क्या होंगे दोस्तों, अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। जल्दी से इनको नोट कर लीजिए दोस्तों, इनका मतलब क्या होगा, इंक्लीमेंट पूछा हुआ है आप सबसे, इंक्लीमेंट कहने का मतलब क्या होगा, जरा ध्यान से। चलिए बात करते हैं इंक्लीमेंट, इंक्लीमेंट कहने का मतलब होगा मेरे दोस्त कठोर होता है, क्या होता है, कठोर होता है। अब बात बोला कि रेडिकल कहने का मतलब क्या होगा, यहां आपको एक शब्द हर्ष दिख रहा होगा, हर्ष कहने का मतलब भी क्या होता है मेरे दोस्तों, कठोर होता है, क्या होता है, कठोर होता है। अब बोला कि टायरानिकल कहने का मतलब क्या होता है, टायरानिकल कहने का मतलब होगा अत्याचारी, क्या होगा दोस्तों, अत्याचारी, इनको नोट कर लीजिए, अत्याचार करने वाले के लिए बोलते हैं, ठीक। अब मिल्ड मतलब क्या होता है, मिल्ड मतलब होता है विनम्र होता है, क्या होता है मेरे दोस्त, विनम्र होता है। अब आ गया रेडिकल कहने का मतलब क्या होगा, रेडिकल कहने का मतलब यार बहुत रेडिकल है, मतलब बहुत कट्टर है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो आप बताइए एंटोनिम्स क्या होगा इसका, इंक्लीमेंट के एंटोनिम्स क्या होंगे दोस्तों, विनम्र होगा जो कि बी पार्टी में है, जिन भाइयों ने बी बताया होगा उनका बेहतरीन तरीके से बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो चलिए आपको इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको ले चलते हैं अगले बेहतरीन शब्द पे। अगला बेहतरीन क्या है, रेशनल कहने का मतलब क्या होगा, जल्द से जल्द बताइए दोस्तों, जल्द से जल्द बताइए। चलिए बताइए रेशनल कहने का मतलब क्या होगा, रेशनल कहने का मतलब एक तरीके से होता है तार्किक, क्या होता है मेरे दोस्त, तार्किक, तर्क लगाना जो होता है, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं, ध्यान से देखिएगा, टीडी कहने का मतलब होता है साफ होता है, क्या होता है दोस्त, साफ होता है। और एग्रीएबल कहने का मतलब क्या होता है, सहमत होता है, क्या होगा मेरे दोस्त, सहमत होगा, सहमत, नोट करते जाएंगे, ठीक है ना। अब बोला लाइडेबल कहने का मतलब क्या होगा, प्रशंसनीय, क्या, प्रशंसनीय। अब जरा ध्यान से आगे बढ़ेंगे, और लॉजिकल कहने का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, लॉजिकल कहने का मतलब तार्किक होगा, यार क्या लॉजिक से तुम आंसर लाते हो, क्या लॉजिक लगाते हो, क्या लॉजिक है यार सिनोनिम एंटोनिम सॉल्व करने का तरीका। तो आप बताइए रेशनल का सिनोनिम पूछा है तो आप बिल्कुल अब सही कर दोगे, सर क्या होगा, लॉजिकल होगा, क्या होगा, लॉजिकल होगा। और जरा इसमें ट्रिक बैठाइएगा, मैं बोलता हूँ आप जरा जाके इसमें कोशिश करिएगा ट्रिक लगा के, आपको आंसर जरूर मिलेगा दोस्त, ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ
साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला बेहतरीन क्या होने वाला है, इससे पहले मैं आपको बता दूं नितिन सर द्वारा लिखे गए सारी हैंड रिटन ई बुक्स आप सबके बीच में अवेलेबल है दोस्तों, जिसमें आपको एंशिएंट हिटी मेडिवल और मॉडर्न मिलेंगी दोस्तों, हिस्ट्री के तीनों सेंक्शन दोस्तों, इसी के साथ सामान्य हिंदी, इंडिया ज्योग्राफी और भारतीय राज्य व्यवस्था की किताब, ठीक है ना। इसी के साथ साइंस के तीनों सेक्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जो भी इंटरेस्टेड होंगे जल्द से जल्द इसको मंगा सकते हैं। इसी 91 में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है सबका फिजिकल रूप तैयार है दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे अगला कवर पेज। थैंक यू कहा गया मतलब यही हम आपसे विदा लेना चाहते हैं दोस्तों, और कल से बेहतरीन तरीके से पीवीआरएस के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे दोस्तों, बेहतरीन तरीके से सारी चीजें सीखेंगे। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, ध्यान से समझिए कि अब इस साल में अपने इस टारगेट को देखकर दोस्तों एक तरीके से पंच करना और डेडलाइन बनाना है कि कब हमको सफल होना है। ज्यादा दिन यार 2022 तो मैंने ऐसे ऐसे बिता लिया, फिर भी मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि थोड़ी बहुत लापरवाही, लेकिन मैं आवारा नहीं हूं। क्या बोला कि है थोड़ी बहुत लापरवाही 2022 में, लेकिन मैं आवारा नहीं हूं, जिंदगी मुझ पे मत कर रहा, अभी मैं हारा नहीं हूं, फिर लौट कर आए हैं दोस्त 2023 में एक नई रणनीति के साथ। तो चलिए ध्यान से अब बिल्कुल अच्छे तरीके से मन लगा के सभी दोस्त, सभी भाई बहन हमारे मन लगा के पढ़ेंगे और इनमें मैं आपका बेहतरीन तरीके से साथ दूंगा दोस्तों, प्रॉमिस करता हूं आप सबसे। तो चलिए तब तक के लिए आपकी पढ़ाई कंटिन्यू होनी चाहिए और मिलते हैं आप सबसे अगली क्लास में बेहतरीन तरीके से साथ। और एक बार अच्छे तरीके से सेशन को शेयर कर लेंगे दोस्तों, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप मैसेजेस सब यूज करते हैं, एक बार इसको बेहतरीन तरीके से सोशल मीडिया पे वायरल करना है दोस्तों, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।